यीशु मसीह की एक ही पत्नी है, ढेरों पत्नी नहीं है। साफ पेंटिकॉस्टल वाले पत्नी हो गए, एसडीए वाले पत्नी हो गए, मेथोडिस्ट वाले पत्नी हो गए, और साल्वेशन आर्मी वाले पत्नी हो गए, यहोवा विटनेस वाले हो गए, ऑर्थोडॉक्स वाले हो गए, कैथोलिक वाले हो गए, और छोटी छोटी और भी बहुत सी कलीसियाएं, ढेरों घिचे पिच। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के सात भाग हैं या सात खंड हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरे खंड के विषय में, सात कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हम सीख रहे हैं सात दीपट सात कलीसिया हैं, यानी प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 20 पद से सीखा था हमने, और हमने इसके जो है चार भाग हम सीख चुके हैं, और आज का जो है ये पांचवा भाग है सात दीपट सात कलीसियाओं का। जी हाँ, पिछले संदेश में हमने सात दीपट सात कलीसियाएं और उन सात कलीसियाओं के जो सात दीपक हैं, अर्थात यीशु मसीह जो है वो दीपक है, और उस कलीसिया उस दीपक के सात आत्मिक रूप कौन कौन से हैं ये हमने पिछले संदेश में सीखा था। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि आज हम सीखेंगे कलीसिया के बारे में। आखिर कलीसिया है क्या, कलीसिया कहते किसे हैं, इसके बारे में सीखेंगे। मगर पहले इस पद को पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय जो है और उसका 20वां पद है। अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दहने हाथ में देखा था, और उन सात सोने के दीप्तों का भेद, वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे सात दीपट सात कलीसियाएं हैं। अब यहां पर जो है हम बार बार कलीसिया की बात कर रहे हैं कि सात कलीसिया के दूत का, सात कलीसियां दीपट है, सात कलीसियां यहां है, सात कलीसियां वहां है। ये कलीसिया होती क्या है, हम जब इस कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कलीसिया क्या है। हम क्यों इस कलीसिया को समझें, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल सकते हैं, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 31 और 32 दो पद हैं। जी हाँ, बड़ा ध्यान दीजिएगा, 31 और 32 दो पद। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ जो भेद दिया गया है कि पति पत्नी, अब पति पत्नी जो है आपको दो अलग रूपों में दिखाई देंगे। आप अपने माता पिता को देख लीजिए, पति पत्नी को देख लीजिए, आपके बच्चों की शादी हो गई आप उनको देख लीजिए, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, मगर वो एक शरीर है। बिल्कुल साफ लिखवाए कि वो एक शरीर है, और परमेश्वर कहता है ये भेद बहुत बड़ा है, इस भेद को समझने की कोशिश करना। और वो क्या कह रहा है कि वो मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा है, यानी जैसे पति पत्नी आपको इस संसार के अंदर अलग दिखाई दे रहे हैं परंतु वो एक शरीर है, ऐसे मसीह और कलीसिया के विषय में ये बात स्पष्ट होती है कि मसीह और कलीसिया वो अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम इस चीज को समझ लेंगे कि आखिर कलीसिया क्या है। कलीसिया जो है आज जैसे कलीसिया बनाई गई है कि कलीसिया किसको कह रहे हैं कि साहब जो संस्थाएं रजिस्ट्रेशन कर ली गई हैं, जिन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने, बाइबल से कोई पद निकाल कर अपनी कलीसिया बना ली कि साहब यह हमारी कलीसिया है, आप हमारी कलीसिया में आइए, हमारी कलीसिया का पादरी यह है, हमारी कलीसिया यह है। ये कलीसियाएं नहीं है, संस्था और कलीसिया में जमीन आसमान का अंतर है। कलीसिया एक ही है जिसका मुखिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। देखिए पहले हम इन चीजों को समझे, इस भेद को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं कुलुसियों 1 अध्याय उसका 18वां पद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वे आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। देखिए क्या है, वो कलीसिया वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। कलीसिया का सर कौन है, कलीसिया का हेड कौन है, यीशु मसीह। और क्या कहता है, सब जी उठने वालों में पहलौटा वो है, यानी सब जी उठने वालों में पहलौटे का मतलब क्या है, जितने भी विश्वासी लोग जब यीशु मसीह आएगा और उसकी
प्रधान सरदूत की तुरी बजते ही जितने विश्वासी लोग हैं, जितने पवित्र लोग हैं, वो जब जी उठेंगे, जी हाँ, वो जी उठेंगे, उन जी उठने वालों में पहलौटा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और वो उनका हेड है, वो उनका सर है। बहुत ध्यान देने की बात है, ये उनकी बात हो रही है, किसी विशेष कलीसिया की बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप कलीसिया की बात करेंगे तो कलीसिया बाइबल के अंदर जो है, परमेश्वर के वचन के अंदर जो है, कलीसिया जो है किसी भी शहर में रह रहे विश्वासियों के समूह को कलीसिया कहते हैं, किसी भी देश में रह रहे विश्वासियों के समूह को कलीसिया कहते हैं, किसी भी नगर, किसी भी गांव में रह रहे विश्वासियों के समूह को कलीसिया कहते हैं। जी हाँ, ये समूह चाहे दुनिया के किसी कोने में विश्वासी और पवित्र लोग क्यों ना हो, या वो मर गए हों प्रभु यीशु मसीह में, वो विश्वासी हर एक कोने से जी उठेंगे और उनका जो हेड है वो प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, इफिसियों 5 अध्याय उसके 23 पद में क्या लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सर है और स्वयं भी देह का उद्धार करता। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो है, जैसे अभी हमने इफिसियों 5 अध्याय उसके 31 और 32 पद को पढ़ा कि ये भेद है, अब यहां क्या कह रहा है, यहां इफिसियों 5:23 को जब आप पढ़ेंगे कि जैसा पति जो है पत्नी का सर यानी पत्नी का हेड है। अब पत्नी को क्या कहा गया है, कलीसिया कहा गया। किसकी कलीसिया का मतलब पत्नी यानी दुल्हन जो है किसकी, प्रभु यीशु मसीह की कहा गया। यानी यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, जैसे पति एक पति अपनी पत्नी का सर यानी हेड है। तो हम क्या हैं, हम कौन सी कलीसिया के हैं, हम मसीह की देह के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर क्या लिखा, बड़ा ध्यान देने की बात है और इसको, इस भेद को समझना है, क्योंकि जब तक हम लोग क्या है, हम लोग कलीसिया को नहीं समझते हैं, अपनी अपनी ढपली बजाए, अरे साहब हमारी कलीसिया में ये होता है, हमारी कलीसिया में वो होता है, अरे वो कलीसिया वाले ऐसा कर रहे हैं, वो कलीसिया वाले ठीक नहीं है, वो कलीसिया, अरे किस कलीसिया के ऊपर उंगली उठा रहे हो, वो कलीसिया है ही नहीं, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो या किसी की भी हो, हम एक संस्था में बात कर रहे हैं। और किसी भी शरीर का, आप देखिए, किसी भी शरीर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यहां पर जो मसीह की देह है अर्थात कलीसिया जो है, जो पत्नी है, किसी पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम क्या, हमने कलीसिया का, यीशु मसीह की पत्नी का जो है रजिस्ट्रेशन करा रखा है। किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। और प्रभु यीशु मसीह भी जब ये चीजें ऊपर से देखता होगा, प्रभु यीशु मसीह कहते क्या नौटंकी कर रहे हैं लोग, कैसी नौटंकी कर रहे हैं, मेरी देह मेरी पत्नी, उसका जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हर एक ने अलग अलग जने ढेरों उसकी पत्नियां बना रखी है। भैया यीशु मसीह की एक ही पत्नी है, ढेरों पत्नी नहीं है, साहब पेंटिकॉस्टल वाले पत्नी हो गए, एसडीए वाले पत्नी हो गए, मेथोडिस्ट वाले पत्नी हो गए, और सालवेशन आर्मी वाले पत्नी हो गए, यहोवा विटनेस वाले हो गए, ऑर्थोडॉक्स वाले हो गए, कैथोलिक वाले हो गए, और छोटी छोटी और भी बहुत सी कलीसियाएं ढेरों घिचे पिच, यानी लाखों जो है उसकी पत्नियां बनी आ रही। वो हमसे स्पष्ट कहता है कि अध्यक्ष को चाहिए वो एक ही पत्नी का पति हो। जब वो हमें ये आज्ञा दे रहा है तो वो क्यों इतनी ढेर सारी रखेगा। बहुत गलत संदेश लोगों के जीवन में भरा हुआ है और लोगों के जीवन में पहुंच रहा है। हो सकता है आपको गलत बात लग रही हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना भी गलत लगे, मगर सही बात जो है उसको समझने की कोशिश करें। हम लोग सही बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यहां रोमियो 12 अध्याय उसका 5 और 4 पद में क्या लिखा है, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसा हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सब अंगों का एक ही काम नहीं है, वैसे ही हम भी जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या लिखा है, हम मसीह में एक देह होने चाहिए, मसीह में एक शरीर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के अंग होना चाहिए। देखिए हमारे हाथ जो है पैरों की भी सहायता करते हैं, पैर जो हैं पूरे शरीर की सहायता करते हैं, आंखें जो हैं पूरे शरीर को सही रास्ते पे ले जाने का, कान जो हैं सही बात शरीर के लिए सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हम और आप, हमने जो अलग अलग कलीसियाएं नियुक्त कर रखी, नहीं ये इनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम खुद एक कलीसिया यानी पत्नी है, और पत्नी के जो यीशु मसीह की देह है उसके अंग अलग अलग हैं, और हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए।
मगर नहीं करते। नहीं साहब, हमारी कलीसिया जो है वो दुल्हन है। दूसरा कहेगा, नहीं साहब हमारी कलीसिया दुल्हन है, नहीं साहब हमारी कलीसिया दुल्हन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह आएगा वो सारी दुल्हनें नरक में जाएंगी और यीशु मसीह जो है किन्हीं और को ही ले जाएगा, जो बेचारे इधर उधर जो सही में मसीह पर विश्वास रखते हुए घूम रहे हैं, मसीह से को पूर्ण रूप से अपने जीवन को सौंपते हुए घूम रहे हैं, वो किसी कलीसिया के नहीं है, वो सिर्फ मसीह के हैं, उनमें से चुन के ले जाएगा। सब देखते रह जाएंगे, अरे प्रभु ये क्या हुआ है। तो मत्ती 7 अध्याय याद आता है मेरे को ऐसे समय पे, मत्ती 7 अध्याय उसका 21-22-23 पद पढ़ेंगे, जो मुझे हे प्रभु कहते रहते हैं, हर एक कोई परमेश्वर के राज में वारिश प्रवेश नहीं करेगा बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। फिर लिखा हुआ है 22 पद में, वो दिन बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्टात्माएं नहीं निकाली, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हे प्रभु हमने तेरे नाम से सामर्थ्य के काम नहीं करे। क्या कह रहा है प्रभु? यही जो कह रहे हैं ना, सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अब भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता बने बैठे हुए हैं। कहेगा निकल जाओ हे कुकर्म करने वालों, निकल जाओ, मैंने तुम्हें नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि हम कलीसिया को समझ ना पाए, प्रभु यीशु मसीह की देह को, यानी उसकी दुल्हन को, उसकी पत्नी को, जिसमें हमें उसकी दुल्हन बनकर रहना है, जिसमें हमें जो है उसकी देह बनकर रहना है, और हम रह नहीं रहे हैं उन मूर्ख कुंवारियों के समान। मत्ती 25 अध्याय में क्या लिखा है? 10 कुंवारियां थी। देखिए कुंवारी तो कुंवारी का मतलब क्या है कि 10 पवित्र थी। वहां ध्यान दीजिएगा मत्ती 25 अध्याय को, 10 पवित्र थी, 10 को यीशु मसीह का इंतजार था, 10 के पास लालटेन थी। वो बात अलग है कि 5 के पास तेल नहीं था, मगर लालटेन 10 के पास थी और 10 इंतजार करी थी, 10 उंगने लगी, आधी रात को जब धूम मची तो 10 जाग गई और 10 जो थी अपनी लालटेन सही करने लगी। परंतु जो समझदार थी, जो सही में यीशु मसीह की देह थी, जो सही में यीशु मसीह की पत्नी होने का अधिकार रखती थी, जो सही में जिसका सर जो था यीशु मसीह था, वो स्वर्ग चली गई। 5-2 थी, देखती रह गई। जब आई लौट कर तो द्वार बंद हो चुका था। यही होगा हम लोग जो बहुत कलीसिया 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 करते रहते, करते रहिए, मगर सही माने में जो कलीसिया है उसको नदारत करे रहते हैं जो यीशु मसीह की देह के साथ जुड़ी हुई, जो यीशु मसीह के सर के साथ जुड़ी, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, जो उसकी पत्नी कहलाती है। यहाँ पर जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं मेरे भाइयों, यहाँ पर इस चीज को समझना है, मसीह की कलीसिया वो कैसी कलीसिया चाहता है, किस तरीके की कलीसिया चाहता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 26-27 पद पढ़ेंगे, 26 पद पढ़ रहे हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। फिर 27 पद में क्या लिखा है? और उसमें एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो यीशु मसीह अपने पास खड़ी करें। अब अपने पास कैसे? कोई भी दोष, कोई भी झुर्री, कोई भी कलंक नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, किसी अपने पास जल के दो चीजें हैं, पहले वचन के द्वारा और फिर जल के द्वारा। पहले तो आप ये देखें कि चाहे आप जिन लोगों में या आपकी कलीसिया है या आप है, जो भी है, वो वचन के द्वारा है या नहीं है। सब कहते हैं साहब हमारी कलीसिया जो है वचन के द्वारा, हम जो है वचन के द्वारा काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले देखें वचन के द्वारा है या नहीं है, हम वचन के द्वारा चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम जिन लोगों में प्रचार कर रहे हैं, जिन लोगों में प्रभु ने हमें अगुआ बनाया, जिन लोगों का, वो वचन के द्वारा है या नहीं है। फिर जल के स्नान के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा का मतलब क्या है? यहां पर दो चीजें, बपतिस्मा भी है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र होकर भी है। जी हाँ, यहाँ पर जो है, क्योंकि जीवन का जल कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। ये चीजें जरा ध्यान होना चाहिए। और वो क्या कहता है कि इन दो चीजों के कारण सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है। उसके बाद लिखा है जब वे शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं, तब उसे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कलंक और कोई भी झुर्री और कोई भी अपवित्रता की चीजें जो है वो नहीं दिखाई देती, यानी जरा सा भी दोष उसके अंदर नहीं होता है। देखिए यहाँ झुर्री और ये कलंक का मतलब होता है, ये जो झुर्री होती है ना, ये जो हमारे चेहरे पर जब बुढ़ापा आ जाता है तो झुर्री सी दिखाई देती है, मगर ये इस झुर्री की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है जरा सा भी कोई दोष या कलंक जो है हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए।
अब जीवन में दिखाई कैसे नहीं देता, हर कलीसिया के लोग जो हैं एक दूसरे की कलीसिया के ऊपर, एक दूसरे एक पादरी एक दूसरे के पादरी के ऊपर जो है दोष मढ़ता रहता है, दोष लगाता रहता है, उंगली उठाता रहता है। और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, रहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हे कपटी, पहले अपनी आँख का लट्ठा तो देख ले। मगर अपनी आँख का लट्ठा किसी को नहीं दिखाई देता है, किसी भी कलीसिया वालों के लोगों को, संसारी कलीसिया की बात कर रहा हूं, संसारी कलीसिया के किसी लोगों को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम संसारी कलीसिया के जो है मेंबर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया की बात कर रहा, जिसको अपने पास खड़ी करना चाहता। अब सोचने की बात है, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ी होगी तो वो कैसी होनी चाहिए? जैसे यीशु मसीह था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बुराई नहीं करता था, लुतरखोरी नहीं करता था, दोष नहीं लगाता था। वैसे ही वो चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 16 पद में लिखा है क्योंकि लिखा है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। वैसे ही जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, हम मसीह की कलीसिया में, दुल्हन में या पत्नी में शामिल नहीं हो सकते। बहुत ध्यान देने की बात है जो परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है और बताता है। हम जो हैं संसार की कलीसिया के अंतर्गत आते हैं और संसार की कलीसिया में जो हैं वो लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब हम प्रभु में होते हैं तो अपने मार्ग की चिंता उसके ऊपर डाल देते हैं। हम जो है किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। हम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर जो है वो कार्य करता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर कार्य करता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन की जो कलीसिया है उसके बारे में बात हो रही है। ये रजिस्ट्रेशन वाली कलीसिया की बात नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं पहले भी बता चुका, फिर बता रहा हूँ, शरीर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिस मंदिर की बात है उस मंदिर का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जिसे परमेश्वर ने निर्धारित करा है। और परमेश्वर यही चीज जो है वो हमें और आपको बताना चाहता है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम और 11 अध्याय उसका जब 26 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि चेले जब अंताकिया में पहुंचे तो चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। ध्यान देने की बात है कि मसीह कहलाए, क्यों कहलाए मसीह? अब सभी चेले मसीह कहलाए क्योंकि मसीह की वो सारी शिक्षा, मसीह के सारी बातें, मसीह की वो सारी खूबी उनके अंदर दिखाई दी। ये तो हमने मसीह के अंदर देखी थी, ऐसी सामर्थ हमने यीशु मसीह में देखी, ऐसी शिक्षा हमने यीशु मसीह के अंदर देखी। जो लिखा ना कि उनके शरीरों से वस्त्र छुआकर मरीजों पे डाल देते थे वो भी ठीक आदि, ये तो हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा कि लोग उसके वस्त्र को भी छू लेते थे और वो चंगे हो जाते थे। ये सारी बातें तो हमने यीशु मसीह में देखी। मगर आज लोगों में ये बातें कहां दिखाई देती है? आज लोगों में ये शिक्षा कहां दिखाई दे रही है? आज लोगों में ये आत्मिकता, ये प्रेम, ये भाव, ये भाईचारा, ये कहां दिखाई दे रहा है? वो भाईचारा उन्होंने देखा, वो प्रेम, मसीह का प्रेम देखा, वो पवित्र आत्मा के 9 फलों को उन्होंने देखा, पवित्र आत्मा के वरदानों को उन्होंने देखा, पवित्र आत्मा के हथियारों को उन्होंने उसके उन चेलों के अंदर देखा, वो सारी सामर्थ की बातें यीशु मसीह की उनके अंदर देखी। तब वो उन्होंने कहा कि सच में ये मसीह। और हम लोग अपने आप ही नहीं साहब, हम प्रोफेट हैं, भविष्यवक्ता हैं, हम बहुत बड़े उपदेशक हैं, अरे हम इंटरनेशनल पादरी हैं। काहे के पादरी इंटरनेशनल, जब आपको यही नहीं पता कि सही माने में कलीसिया होती क्या है? कलीसिया यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह का शरीर है। और हम सब चाहे कहीं पर भी रहते हो, किसी भी दशा में रहते हो, हम लोग अगर अपने आप को मसीह कहते हैं तो हम लोग यीशु मसीह के शरीर का अंग है। और हर अंग एक दूसरे की सहायता के लिए तात्पर्य रहता है, और वो ही हमें होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को अपने पास खड़ा करना चाहता है, पवित्र बनाकर। मेरे जी तो बात यहीं खत्म नहीं होती है, अभी और भी आगे देखेंगे कि कलीसिया सही माने में है क्या, पति क्या है, पत्नी क्या है, दुल्हन क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य के इस भेदों के साथ बने रहिए कि परमेश्वर कैसे भेद खोलता है। और यकीन जानिए, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद अगर किसी कलीसिया में हूँ और उस कलीसिया के द्वारा मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन हुआ, ये कलीसिया है वो नहीं, हम देह हैं और देह मसीह की देह में हमें होना चाहिए। हमें मसीह की दुल्हन, और अगर अपने आप को पत्नी कहते हैं, दुल्हन कहते हैं, तो हम उसका शरीर है। जैसे पति पत्नी का
सर है, ऐसे ही मसीह हमारा सर है, हम लोग देह हैं, और देह का काम अलग होता है, सर का काम अलग होता है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक बात आपको और समझाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपनी कलीसिया को छोड़ दो या अपनी कलीसिया को त्याग दीजिए। आप जहां पर हैं आप वहां रहिए, मगर सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं रहकर आप परमेश्वर की कलीसिया बने, आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बने, आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बने, आप प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बने, आप प्रभु यीशु मसीह की देह बने। सिर्फ यही चाहता हूं, आप जहां हैं वहीं रहिए और प्रभु की कलीसिया में जुड़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे।